मंत्री के एस अब की बार आजा आजा जिंदगी फिर एक बार फिर एक बार 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 దయచేసి కొంతమంది మీటింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడే మీటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఓపెన్ టాప్ సీన్ లో మన మధ్యకు వస్తా ఉన్నారు మనమందరం కూడా గౌరవాల ధ్వనులతో గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి స్వాగతం తెలియజేస్తుందిగా మీ అందరికీ కూడా సవినయంగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసినటువంటి పెద్దలు ఆయన ఇండియన్ అని చెప్పి గర్వంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న భారతీయుడైనా ఆయన ఇన్ ఇండియన్ అని గర్వంగా చెప్పుకునే రీతిలో చేసినటువంటి గొప్ప నాయకుడు మోడీ గారి నాయకత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం జై శ్రీరామ్ ఇవ నరేంద్ర మోడీ గారు మీ మధ్యలోకి ఇప్పుడే విచ్చేసినారు కాబట్టి కార్యకర్త బంధువులందరూ కూడా దయచేసి వారికి పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకాల్సిందిగా మీకందరికీ కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతాకి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం దయచేసి వారు ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీదకి రాబోతా ఉన్నారు ఈ వేదిక నుంచి మనలందరినీ కూడా ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు కాబట్టి కార్యకర్త బంధువులు ఎవరు కూడా వారి వారి కేటాయించినటువంటి స్థానాల్లోనే ఆసీనులు కావాల్సిందిగా సవినయంగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం స్టేజ్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మిత్రులు కూడా దయచేసి కూర్చోవాలి మీటింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు కొంతమంది మీటింగ్ ఇప్పుడే ప్రారంభం కాబోతా ఉంది మీరందరూ కూడా కరతాల చొరలతోటి భారత ప్రధాని గౌరవనీయులు మనందరి నాయకుడు భారతదేశాన్ని విశ్వ గురువుగా మలిచినటువంటి గొప్ప నాయకుడు నాడు నరేంద్రుడు కలలు కంటే నేటి నరేంద్రుడు మన దేశాన్ని విశ్వగురువుగా మలిచి ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియన్ అని ప్రపంచంలోని ప్రతి కార్నర్లో గొప్పగా చెప్పుకునే రీతి లోపల మన కీర్తి ప్రతిష్టల్ని పెంచినటువంటి మాననీయులు प्रधानमंत्री संगारेड्डी पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि आज तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मौजूद है। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अब एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करने के लिए संगारेड्डी पहुंचे हैं और बेसब्री से लोग उनका इंतजार कर रहे थे आज सुबह से ही और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगे। वहाँ पर लोगों ने अपना हृदय खोल करके संगारेड्डी की जनता ने आज अभिवादन किया है। जी किशन रेड्डी साहब जो कि प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं वो भी इस जनसभा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं और गजब का उत्साह पिछले दो दिनों से देखा जा रहा है तेलंगाना में। कल आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो गुजरात की विकास परियोजनाओं के मॉडल के आधार पर तेलंगाना का विकास करना चाहते हैं, केंद्र के साथ मिलकर के वो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि तेलंगाना का विकास, राष्ट्र का विकास एक साथ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से जो विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, बिना विकसित राज्यों के विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती और इसलिए राज्यों के विकास को देश के विकास के साथ मिलकर के कदम ताल करके आगे लेकर के जाना, यही केंद्र की नीतियों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और जो परियोजनाएं आज समर्पित की गई हैं तेलंगाना राज्य के लिए, न केवल तेलंगाना बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उनके साथ तेलंगाना की कनेक्टिविटी, क्योंकि साउथ इंडिया का गेटवे कहा जाता है तेलंगाना को, वहां का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो विकास की धारा को अगर प्रवेश करना है दक्षिण भारत में तो तेलंगाना का विकास अत्यंत आवश्यक। और इसीलिए आज रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ एविएशन क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। हैदराबाद साथ ही साथ देश के एविएशन सेक्टर के लिए आज बड़ा ऐलान, अब से थोड़ी देर पहले बेगमपेट के हवाई अड्डे को एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देश को समर्पित किया गया। साथ ही साथ 3 NH की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। और आप देखिए कि किस तरह से लोग अत्यंत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लगातार दूसरे दिन तेलंगाना की जनता में भारी उत्साह
कल हमने देखा था कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में, थर्मल पावर के क्षेत्र में, वहां पर आदिलाबाद में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। उमिलेश भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संगारेड्डी से। बहुत धन्यवाद उमिलेश। कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो है जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज तेलंगाना को एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा दी गई है, जिसमें कि जो उड्डयन, नागरिक उड्डयन जो अनुसंधान संगठन केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। ये लगभग 350 करोड़ के जो लागत है उससे निर्मित किया गया है, जिसमें कि उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये एक अनुसंधान संस्थान रहेगा। साथ ही जो है रेल और सड़क परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले जो है उद्घाटन और शिलान्यास करके राष्ट्र को समर्पित किया है। अजय, अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो प्रधानमंत्री अभी जनसभा में पहुंचे और एक बड़ी जनसभा यहाँ पर है, और जैसे कि हमारे दर्शक भी देख होंगे कि प्रधानमंत्री जनता के बीच से अपने सिर परचित अंदाज में गए हैं। जनता ने भी प्रधानमंत्री का जो है जबरदस्त स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने जो है जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने जनप्रिय नेता की जो एक झलक पाने के लिए लोगों में जो उत्साह था, जो जोश था, वो काबिले तारीफ था। और ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाखों की भीड़ है, जब हमने उनसे जो है बात की है तो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री को जो है अपने जनप्रिय नेता को जो है देखने के लिए काफी उत्साहित है। कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, और जो कि आप देख भी सकते हैं कि जनता में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, अपने जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। और जो थोड़ा हमारे दर्शकों को जिस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संगारेड्डी, वहां की कुछ खासियत बताइए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने क्यों चयन किया आदिलाबाद और संगारेड्डी का तेलंगाना की जनता के साथ उन्मुख होने के लिए, उन्हें संबोधित करने के लिए, संगारेड्डी की खासियत?